बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। पंजाब में ड्रग तस्करी युवाओं में नशे की लत और उससे होने वाली मौतों से जुड़ी हुई है ये खबर, क्योंकि पंजाब में बढ़ती हुई ड्रग तस्करों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार अब घिरती जा रही है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तस्कर अपना लगातार नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं और ये सारा खेल है भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग तस्कर अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब सरकार ने ड्रग तस्कर और पुलिस वालों की सांठगांठ को खत्म करने के लिए 10,000 पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में उड़ता पंजाब पर आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। पंजाब में पिछले 15 दिनों में 14 युवाओं की नशे से मौत ने भगवंत मान सरकार को झकझोर दिया है। ड्रग्स की वजह से सबसे अधिक मौतें गुरदासपुर में हुई, जबकि 7 मौतें पंजाब के दूसरे शहरों में भी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन औरों के बच्चे जो हैं वो इस तरह ना जाएं, वो बच जाएं। मैं उनको बचाने के चक्कर में हूं कि वो बचें। मुझे ये पता है कि पुलिस को भी हफ्ता मिलता है, ये अंदाजा है मुझे। राजनीति के हिसाब से हम जानते हैं, बहुत पुराने हम राजनीति में ये खेल खेल रहे हैं राजनीति का, तो जिससे पता है कि पुलिस पैसे लेके छोड़ देती थी। कभी ड्रग्स के सेवन की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले और यहां तक कि उड़ता पंजाब कहे जाने वाले राज्य में ड्रग्स की तस्करी एक सामाजिक, आपराधिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेने जाते हैं, जब वो एक्शन लेने जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है तस्कर को, पुलिस आ रही है आपके पास, भाग जो, घर छोड़ के भाग जो, ऐसा होता है। ऐसे गंदे पुलिस जो मुलाजम हैं उनकी पहचान हो जाए तो मैं कहता हूँ कि एक महीने में क्या, एक हफ्ते में नशा खत्म हो सकता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर पड़ोसी मुल्क को तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पंजाब में ड्रग्स के इस्तेमाल और ओवरडोज की वजह से युवाओं की मौत के बाद ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हम भारत पाक की अटारी सीमा पर मौजूद हैं। मेरे आप बाईं ओर देख सकते हैं किस तरह से फेंसिंग की गई है और फेंसिंग के दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर यानी पाकिस्तान की सीमा है। अमृतसर हो, तरन तारण हो, गुरदासपुर के इलाके हो, यहां पर सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स पहुंचती रही हैं और ड्रग्स के अलावा गैरकानूनी हथियार भी पाकिस्तान की तरफ से स्मगल किए जा रहे हैं। पहला ड्रोन 2019 में स्पॉट किया गया था और उसके बाद साल 2023 में 107 ड्रोन्स या तो मार गिराए गए या फिर उनको रिकवर किया गया। पंजाब सरकार की ओर से इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस और तस्करों के बीच सांठगांठ को खत्म करने के लिए राज्य भर में करीब 10,000 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि पुलिस महकमे में किया जा रहा ये बदलाव जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। आपको लगता है कि भगवंत मान सरकार का ये कदम पंजाब की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो उसको खत्म कर पाएगा? अगर हम सिर्फ ड्रग समस्या की बात करें, उसको ये खत्म कर पाएगा ऐसा तो असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनफैक्ट ये जो स्टेप हुआ है, मैं समझता हूं कि डर है मुझे कहीं ये भगवंत सरकार पे बूमरैंग ना कर जाए, क्योंकि फोर्स है, 10,000 बंदे आपने ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर ज्यादा स्टे हो जाती है, उसके सेल्स बन जाते हैं, वो सब चलता रहता है, पर अब उसमें जो सुगबुगाहट हो रही है, जो बातें उठ रही हैं कि जितने 10,000 लोग हैं उन कह रहे हैं कि हम ही दोषी हैं, हमको क्या दोषी ठहराया गया है इस बात में के, और क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर रैंक के लोग ही ड्रग स्मगलिंग में या ड्रग स्मगलर्स के साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें क्या इन्वॉल्व थे? अगर ड्रग्स की बात करें, इसमें साफ बात है सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक्स, सेक्शन ऑफ सोशल जो हमारा मिल्यू है, जो सोशल हमारा जो एक सर्कल है, उसमें के बहुत सारे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। पंजाब सरकार ने पुलिस और तस्करों के बीच के नेक्सस को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर यह फैसला लिया है, तो सवाल उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आप समझते हैं कोई ड्रग स्मगलर है, कोई बड़ा तस्कर है, वो वहां बैठ करके खुद बेचने जाता है? नो। ऐसी जगहें हैं अनफॉर्चुनेटली हर जिले में हैं जहां पर कि लोगों को लगता है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं कि हम बैठ करके सेफली बात कर सकते हैं, सेफली अपनी ड्रग ले सकते हैं। आई थिंक ओनली दोज पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड और लोगों के सामने ये बात उजागर होने में कोई समय लगने की संभावना नहीं है।
पंजाब के मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है और नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने अब तक इस साल में, आप अगर कहें तो, हमने 35 ड्रोन जो हैं अभी तक हमने कैप्चर किए हैं एंड लॉट ऑफ हीरोइन हैज बीन रिकवर्ड आल्सो। 125 किलोग्राम हीरोइन जो बॉर्डर रेंज के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, उनमें हम रिकवर कर चुके हैं और अकेले अमृतसर में ही अराउंड 90 केजी जो हीरोइन है हमने रिकवर की है। कुछ देर पहले हमने पठानकोट में भी एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था जिसमें हमने 8 kg 225 grams हीरोइन जो थी जो जम्मू से लेके आते थे, वो एक गाड़ी की उन्होंने जो पेट्रोल की टैंकी थी वो इनोवा की, उसको काट के उसमें उन्होंने कैविटी बनाई हुई थी। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में 9000 ड्रग्स तस्करों की एक लिस्ट बनाई है। आने वाले वक्त में इन्हीं लिस्ट के आधार पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में नशा और मादक पदार्थ की तस्करी एक मुख्य मुद्दा है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। ड्रग रैकेट में अगर आप देखें, तारों के तार जुड़ते हैं, ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति है, तो ये ड्रग समस्या को तो हल करने में टोटली फेल कर जाएगा। और इसके साथ एक जो मैंने कहा कि पुलिस के बीच में ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि उनको लग रहा है जैसे कि उनको कॉर्नर किया गया है। सरकार को ये करना चाहिए था कि ठीक है, जो लोगों को स्क्रूटनी करके एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आप डिसाइड कर लो कि 3 साल से ज्यादा हम किसी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट में एक स्थान पर नहीं रहने देंगे, पर सिर्फ पुलिस वालों को कहना कि आपको 3 साल हो गए हैं, आपको ट्रांसफर किया जाता है। What about persons in other departments? There's revenue department, there's lots of other departments. Your जो local bodies होती हैं जहाँ तहसीलदार होते हैं, all sorts of departments आते हैं, उनके वहाँ पता नहीं कितने कितने बरसों से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रिजन हाउसेस जो हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी वहाँ पे मियाद जो है 3 साल से बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी कारण उनके लिंक्स करके प्रिजन्स के बीच में भी ड्रग्स का आवागमन हो रहा है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये एक स्टेप जो है बहुत जल्दी में लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पिछले 20 महीने में नशे की वजह से 310 लोगों की जान गई। उनमें अधिकतर 18 से 30 साल के युवा हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद भी इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में भी 200 लोगों की मौत नशे के कारण हुई है। सरकार और पुलिस नशे की रोकथाम के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद ड्रग तस्करों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है जिसके जद में पंजाब के तमाम युवा आ चुके हैं। लिहाजा ड्रग तस्करी की रोकथाम और युवाओं में नशे की लत को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पठानकोट से मनजीत सहगल। पंजाब में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस के द्वारा ऑपरेशन ईगल को लॉन्च कर दिया गया जिसके तहत आज अलग अलग जिलों में IG से लेकर DIG रैंक के अधिकारी एक्शन में नजर आए। कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, ड्रग जब्त की गई और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को पंजाब के CM भगवंत मान पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। बैठक के बाद ड्रग्स और नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते हैं और 72 घंटे के भीतर ही पंजाब में इस पर एक्शन शुरू हो जाता है। IG से लेकर DIG रैंक तक के अधिकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। पुलिस आपदे थाणियां दे विच ही बहुत सारे हौलदारां ते मुंशियां ते थानेदारां ते इल्जाम लगदा कि वो 10-10 साल तो 15-15 साल तो उन्हां थाणियां च ही ने, उन्हां दीआं यारियां ते रिश्तेदारियां उत्थी ने। सो मैं DGP साहब नूं कहा कि इमीजिएटली बिल्कुल तुरंत प्रभाव ते वड्डे पद्धर ते थल्ले वाले मुंशी थानेदार हौलदार लैवल ते वड्डे पद्धर ते बदलियां करो ते बदलियां भी डिवीजन क्रॉस करके करो। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाई जा रही इस मुहिम को ऑपरेशन ईगल का नाम दिया गया है।
जिसके तहत पंजाब के अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर कार्डोन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो सारे पंजाब में एक ऑपरेशन ईगल असी शुरू किया है और चौथा ऑपरेशन है। पंजाब पुलिस का एक दृढ़ संकल्प है कि जो नशे का कोड है इसनों जड़ों खत्म किया जाए और इस दे तहत साड़ी थ्री प्रोंग स्ट्रैटेजी है। एक हैगी है स्ट्रिक्ट इनफोर्समेंट कि जड़े नशा बेचन वाले हैं उन्होंने खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। शहर को नशा मुक्त बनाने, नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदकोट, कोटकपुरा और जैतो में बड़े पैमाने पर आज तलाशी ली गई। इस दौरान आईजी बाबूलाल मीणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने 33 ग्राम हेरोइन और 1,00,000 रुपए की ड्रग्स मनी समेत दोषियों को गिरफ्तार किया है। कोई सेल चलती है या इस तरह के लोग कोई ड्रग एडिक्ट रहते हैं तो ऐसे हर एक जिले में 10-10 ड्रग हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं तो वहाँ रेड चल रही है। अब जैसे यहाँ हम फरीदकोट की गल करिए तो बाजीगर बस्ती है तो वहाँ की है। और इसके अलावा और भी जिले में कोटकपुरा इलाके में भी है तो वो हम सारा हम कर रहे हैं। सिटी फरीदकोट है उसमें 60 जो नशीली गोलियां ट्रमाडोल बाजा खाना थाने की गल करिए तो 1,00,000 रुपये कैश प्लस 3 ग्राम हेरोइन रिकवरी हुई है। वही सीमा से फिरोजपुर में भी ऑपरेशन कासो के तहत अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। इस दौरान आईजी बलजोत सिंह राठौर और एसएसपी सौम्या मिश्रा की निगरानी में घर जाकर ड्रग्स की तलाशी ली गई। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को भी रोककर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। डीजीपी गौरव साहब ने बड़े स्ट्रिक्ट ने एंड वो बहुत ही बहुत स्ट्रिक्ट ने तो कह रहे ने कि उन्होंने अफसर भी ना सुन कहते जाके बंदे बन के काम करो। लाण भी मिली है सानू ते देसी दारू वो भी क्विंटल दे लागे ते दारू दी बोतल ही मिली ने सब कुछ मिल गया। जिथे चल रहा ऑपरेशन अपने मोटरसाइकिल भी मिले ने। मानजोग डीजीपी सर दे हुक्म अनुसार आज 10 जगह पे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच कासो ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे ये कासो ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। टोटल 4 सब डिवीजन दे विच 10 हॉटस्पॉट जेड़े हैगे जहां पुराने भी ड्रग का कारोबार रहा है या लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं वो एरिया उत्थे डिप्टी एसपीज अते हमारे जेड़े एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो इन टीमों नू लीड कर रहे हैं। असी कोशिश कर रहे हैं कि वध तो वध असी चैकिंग करें ते रिकवरी करें एंड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन नू सक्सेसफुल बनाएं। भटिंडा की भीड़ तालाब बस्ती में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन ईगल के तहत भारी फोर्स के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने नशे के मामले में शामिल लोगों के घरों की तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ उनका अभियान इसी तरह जारी रहेगा और नशे के कारोबार को खत्म किया जाएगा। साढ़े को सारिया जिदा पुलिस स्टेशन टीम है, सीआईए की टीम है, देन सारी मदद करते हैं, एसटीएफ वाले नाल होते हैं। कुछ मिलिया सर? हाँ जी, रिकवरी चल रही है, इन्फॉर्मेशन भी हैगी। अल्टीमेटली लोगों की कोऑपरेशन वाले सानू पता लगता क्योंकि साढ़े इन्फॉर्मर होंगे, पेड इन्फॉर्मर होंगे, लोग सोशल वेलफेयर वाले भी लोग सानू दस देंगे। इसके अलावा मोगा, धर्मकोट, निहाल सिंह बाला, बाघा पुराना में डीआईजी इंदरवीर सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन कासो चलाया गया। इस दौरान जिले भर में करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने तलाशी, गोलियां, कच्ची शराब, हेरोइन और चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की। अज इतने डिस्ट्रिक्ट मोगा के SSP मोगा श्री विवेक सोनी की अगुवाई इन्होंने ऑफिसर उन्होंने फोर्स के वालों पूरे डिस्ट्रिक्ट सर्च ऑपरेशन किया गया है जिहड़ा कि हजे भी जारी है। 14 सब डिविजन के कुल 10 लोकेशन उत्ते यह ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा। बरनाला पुलिस के द्वारा नशे के अभियान को तेज कर दिया गया है जिसके चलते पुलिस द्वारा आज नशे के लिए बदनाम बस्तियों में रेड की गई। पटियाला रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने यहां पर सर्च अभियान की अगुवाई की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नशे के खिलाफ उनका ये अभियान हर गांव में तब तक चलाया जाएगा जब तक नशा जड़ से खत्म नहीं हो जाता। अज असी सारे पंजाब दे विच ईगल फोर ऑपरेशन जड़ा कर रहे हैं रिगार्डिंग ड्रग्स, जिन्हें ड्रग्स के जड़े हॉटस्पॉट ने उसे आइडेंटिफाई किए ने, उन्होंने रेड करके चैक कर रहे हैं भी उत्थे कोई किसी तरह का ड्रग तो नहीं पई हुई, जां जिहड़े वेचण वाले ने समगलर ने ड्रग पेडलर ने उन्होंने बारे असी मुहिम चलाई हुई है चैकिंग लिए। अब देखना यह है कि CM भगवंत मान और पंजाब पुलिस की मेहनत पंजाब में नशे पर किस हद तक काबू कर पाती है, क्योंकि नशे को खत्म करने को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं पर ग्राउंड पर दावों का असर नहीं दिख पाता है। फरीदकोट से प्रेम पासी, फिरोजपुर से अक्षय गहलोत्रा, भटिंडा से कुणाल बंसल, मोगा से तन्मय और बरनाला से आशीष शर्मा के साथ
आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे इंडियन पेपर लीक की। ऐसा लगता है जैसे पेपर लीक की समस्या अब इस देश की राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, जिससे अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। नीट के मुद्दे को कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया है और आज देश भर में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। चंडीगढ़ में भी इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और अमरिंदर राजा वर्डिंग समेत कई कांग्रेसियों ने हंगामा किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर देश में सियासत उबल पड़ी है। दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। छात्रों की ओर से उठाई गई आवाज के साथ अब राजनीतिक दलों का हाथ जोड़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन के बाहर अमरिंदर राजा वर्डिंग की अगुवाई में नीट के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर जहां पूरे देश में शोर मचा हुआ, वहां यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब कांग्रेस जो है वो एक धरना दे रही है। जो नीट एग्जाम में धांधली हुई है उसके खिलाफ पंजाब कांग्रेस एक धरना दे रही है, जिसमें राजा वड़िंग जो इनके प्रधान हैं और लुधियाना से एमपी बन के हैं वो लीड कर रहे हैं। सीनियर लीडर हैं राणा केपी हैं, बलबीर सिद्धू फॉर्मर मिनिस्टर हैं, ये सभी लोग एक मंच पर मौजूद हैं और इनको यही है कि किस तरह ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं बार बार, उससे देश के जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनका जो भविष्य है वो खतरे में आता है। सो इस सभी चीज़ को देखते हुए जो है यहाँ पर एक धरना जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। वैसे तो नीट धांधली के खिलाफ देश भर के छात्र छात्राओं ने पहले दिन से दोबारा परीक्षा कराने की मांग रखी है, लेकिन अब इस मुद्दे पर हो रही सियासत में बात परीक्षा से आगे पॉलिटिक्स तक जा पहुंची है। अब सवाल सिर्फ परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि शिक्षा मंत्रालय से लेकर मोदी सरकार तक उठाए जाने लगे हैं। देश के नौजवानों का जो भविष्य है वो खतरे में डाला गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अन्याय है नौजवानों के साथ, और उसके लिए हमने आज का प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी नौजवानों के लिए और पेपर लीक के इस मसले के ऊपर धरने लगा रही है। बहुत से लोग बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को अब दोबारा तैयारी करा नहीं सकते, और मेरे को लगता देश के सरकार बात करती है, आदरणीय मोदी जी करते बात करते हैं कि हमने भाई यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दी। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये मामला सिर्फ नीट की परीक्षा में धांधली का नहीं है, बल्कि देश में होने वाली अमूमन हर भर्ती और दाखिला परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी देखी जा रही है। ऐसे में सवालों के कटघरे में सिर्फ एजेंसियां भर नहीं बल्कि सरकार भी है। जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो बीजेपी के मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान, उनसे आज हम इस्तीफा मांग रहे हैं कि ये जो नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है ये इसके पीछे क्या है, और हम अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे पूछना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं इसके बारे में कि आप प्रधानमंत्री तो बन गए तीसरी बार, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है इसके बारे में बताएं, इसके पीछे कल्प्रिट कौन है और इसकी सजा किसको मिलेगी। बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की हर परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर गहन जांच के बाद आरोपियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। देखिए मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था उस दिन आप लोगों के चैनल में एजेंडा क्या थी, सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन पहला दिन चुनाव से बाहर आके मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, कोई अन्य प्रकार की अनामोली की अबनॉर्मैलिटी की नहीं थी, तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। अगर हमने कुछ कहा इसमें भ्रम सृष्टि हुआ उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई दुविधा नहीं है। तमाम हलचलों के बीच जो सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है वो ये हैं
कि नीट परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन है, नीट में धांधली के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, धांधली के पीड़ित बच्चों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, एनटीए की सक्षमता पर उठे सवालों का समाधान क्या है, दाखिला परीक्षाओं में पेपर लीक का फुल प्रूफ प्लान कौन बनाएगा, सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला भ्रष्टाचार कब रोकेगी सरकार। सरकार ने जो ये फैसला लिया बहुत लेट लिया है, हजारों लाखों स्टूडेंट का भविष्य है वो दौ पे लग गया। ऐसा हो रहा है जो हिंदुस्तान में इंटेलिजेंट लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है, और जो डम्मी लोग हैं जो पैसे के बल पे उनको आगे लाया है। इससे हमारे देश का जो भविष्य है वो दौ पे लग गया है। 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। पहले के मुकाबले मजबूत विपक्षी दल एक होकर सरकार पर वार करने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ अब कांग्रेस का जोश उबाल मार रहा है। इतने बड़े साक्ष्य होने के बावजूद सरकार जब मानने को तैयार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो भी इंसाफ करेगी। हम कांग्रेस पार्टी वाले अपना जो दायित्व है हमारा कि हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, उनके अभिभावकों के साथ खड़े हैं, और हम इस मामले में इंसाफ लेने के लिए हम उनका साथ देंगे और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस झड़प भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को पुलिस वैन में भरकर थाने ले गई। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, तो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी योग शिविर का आयोजन किया गया था। अमृतसर से लेकर संगरूर, फिरोजपुर और चंडीगढ़ से भी योग दिवस की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर भारत सहित पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, शरीर को मन की शक्ति से, विचारों को चेतना की शक्ति से और कमजोरियों को मजबूत इच्छा शक्ति से जोड़ना। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी योग साधना का त्योहार मनाने श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ योग किया। योग की इसी ताकत को आज दुनिया प्रणाम कर रही है। देश का ऐसा कोई शहर नहीं है जो आज योग की मुद्राओं में लीन नहीं है। 10वें योग दिवस पर अमृतसर स्थित अटारी बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी वाली जगह पर योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां बीएसएफ अधिकारी अपने साथियों के संग योग करते हुए दिखाई दिए। आज के दौर में योग को धर्म और सीमाओं के दायरे में बांधा नहीं जा सकता, योग अब एक जीवन पद्धति है। संगरूर के बनासर बाग में भी योगा दिवस के मौके पर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया है, जिसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं शामिल थी। पूरे पंजाब दे विच जिहड़े योगा टीचर दिते गए और योगा क्लासेस जिहड़ियां लग रही ने, सो अज एक बहुत वड्डा जिहड़ा महत्व इस चीज़ का हैगा कि 21 जून जो कि जिवें कहा जाता कि अज दिन भी सब तो वड्डा, सो इहदा अपने आप दे विच बहुत वड्डी महत्ता हैगी है। और अज दे दिन जिहड़ा कौमांतरी पद्धर दे उत्ते 170 देश ने जिहड़े वो इहनूं जिहड़ा मनाउंदे आ। फिजिकली तौर पर हर बंदा जिहड़ा किसी ना किसी बीमारी का जिहड़ा शिकार आ, दवाइयाँ खा रहे हैं, जिस तरीके साडा खाण पीन साडा रहन सहन जिहड़ा गलत हो जाता उस तरीके असी उन्हां नूं जिहड़ा सही करना भी साडे वह भी तरीके ने जिहड़े तौर तरीके ने जिहड़े वह गलत हो जाते हैं, सो उहदे विच योग सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा। योग दिवस में बीएसएफ के जवानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत पाक सीमा से सटे फिरोजपुर में भी हुसैनीवाला बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों और छात्रों ने मिलकर एक साथ योग के इस पर्व को मनाया। देश के कई दुर्गम और सरहदी इलाकों पर जवानों ने योग के माध्यम से देश को शांति और सेहत का संदेश दिया है, साथ ही ये भी साबित किया है कि वो युद्ध कौशल के साथ साथ योग कौशल में भी पूरी तरह से माहिर है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, संगरूर से बलवंत सिंह विक्की और फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।